हेलो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूं जो कि आपको बहुत जल्दी कैलकुलेशन करने में आसान होगा। चैप्टर का नाम है समय, दूरी एवं चाल। हम इसमें ये बताएंगे कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी जल्दी हम चेंज कर सकते हैं। आइए हम सीखते हैं। जैसे लिखा है 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करेंगे। लोग करते हैं क्या, 20 गुणे 18/5, 5×5 = 20, हमारा आंसर होगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हम ऐसा ना करके हम कुछ नए तरीका बताते हैं जो आप सबको बहुत इजी या सहज लगेगा। आइए हम सीखते हैं। कुछ नहीं करना प्यारे स्टूडेंट, मुझे 5 का पहाड़ा लिखना है मीटर प्रति सेकंड में। 5×1 = 5 यानी 5×2 = 10 होगा, 5×3 = 15, 5×4 = 20, 5×5 = 25। ऐसे करते करते 5 टेबल पढ़ लेंगे। इधर लिखेंगे 18 का पहाड़ा, 18×18, 18×2 = 36, 18×3 = 54, 18×4 = 72, 18×5 = 90। ऐसे 18 का टेबल भी पढ़ सकते हैं हम। ये 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। अब जैसे कहा जाए कि 45 किलोमीटर, कहा जाए कि 45 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिए। हम कुछ नहीं करेंगे, 5 का टेबल पढ़ते जाएंगे। 5×5, 5×2 = 10, 5×3 = 15, 5×4 = 20, 5×5 = 25, 5×3 = 35, 5×7 = 35, 5×48, 5×9 = 45, 5×9 = 45। वैसे हम पढ़ेंगे इसमें भी 18 पहाड़ा कितने बार पढ़ा, 9 बार। मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग कैलकुलेशन कर लेंगे होंगे। 18×9 = 162, जो हमारा आंसर होगा ये 162 किलोमीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कहा जाए आपसे कि 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, टेबल पढ़ना है, 5×5, 5×10, 5×15। हमारा आंसर क्या होगा, इसका 18 टेबल पढ़ेंगे 3 बार, 18×18, 18×2 = 36, 18×3 = 54। हमारा आंसर होगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा, कितना होगा। पहले बेस बताते हैं, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। 5×5, 5×25, 18×5 = 90 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर ये होगा। प्यारे बच्चों हमने क्या सिखाया है, हमने कहा क्या करेंगे, 5×25 लिखा है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा। कुछ नहीं करना है, 5 का पहाड़ा देखेंगे कितनी बार गया है, 5 पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 25 हुआ है। वैसे 18 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 18×5 = 90, हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मन ही मन में आप सोच सकते हैं, जो कि 2 सेकंड में ही सॉल्व
हो सकता है, ये 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा बड़े से बड़े। आइए मैं एक सवाल और देखते हैं। एक आदमी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा वह दूरी 600 मीटर तय करता है तो समय ज्ञात कीजिए। पहले इसको हम बेस से लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है समय ज्ञात करने के लिए? चाल बराबर दूरी बटा समय। समय बराबर क्या होगा? क्या करेंगे? वन मानेंगे तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। आइए हम वही ट्रिक्स अपनाते हैं जो हमने पहले बताया है। समय बराबर दूरी बटा चाल। हमने क्या बताया है? एक आदमी की चाल 90 किलोमीटर है, तो देखेंगे पहाड़ा कि 18 का पहाड़ा कितने बार गया है? 5 बार। तो 5 का पहाड़ा कितना बार जाएगा? 25। ये हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी 90 किलोमीटर की चाल से हमारी कितना गया? चाल हमारा हो गया ये 25। और दूरी कितना दिया है? 600। अब कुछ नहीं करना है, रख लीजिए 600 बटे 25, भाग करेंगे 5 से, 50/5 बराबर 10। 6 पंचे 30, 50 25 मीटर प्रति सेकंड। प्यारे बच्चों यही आंसर होगा। क्या करेंगे? कह रहा है क्वेश्चन एक आदमी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वह दूरी 600 मीटर में तय करता है, तो समय ज्ञात कीजिए। आ जाएगा हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड। बस